आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण रेल नियम। आखिर तक जरूर सुनेगा और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज में ही लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राजधानी भोपाल से मुंबई, दिल्ली, प्रयागराज, हावड़ा, पुणे की तरफ से जाने वाली ट्रेनों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन यात्रियों को अब भी कंफर्म टिकट नहीं मिल रही है। फरवरी महीने के बात करें तो कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, मुंबई, पुणे जाने वाले ट्रेनों में 80 तक वेटिंग है। कुछ ट्रेनों में तो फरवरी के पहले सप्ताह में 9 रूम की स्थिति है, मतलब कन्फर्म टिकट तो छोड़िए, वेटिंग का टिकट भी नहीं मिल रही है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह सुविधा वाला विश्व स्तरीय स्टेशन बनाया जा रहा है। स्ट्रक्चर से जुड़े सभी काम 100% पूरा हो चुका है। पार्किंग एरिया को विकसित करने और फिनिशिंग समेत अन्य छोटे काम बाकी है। ये काम कब तक पूरा हो जाएगा, इसका जायजा लेने पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह बुधवार हबीबगंज आएंगे और बचे कामों का जायजा लेंगे। हबीबगंज विश्व स्तरीय सुविधा वाला अपनी तरह का देश में पहला स्टेशन होगी। बिलासपुर कोरबा सेक्शन में स्थित सड़कबुंदिया रेलवे स्टेशन के यात्रियों को अब एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए परेशानी नहीं होगी। जल्द ही उन्हें फुट ओवरब्रिज की सुविधा मिलने वाली है। रेल डिवीजन ने इस स्टेशन में निर्माणाधीन ब्रिज के लिए गार्डर लॉन्चिंग करने का काम पूरा कर लिया है। बजट में भुसावल खड़गपुर और इटारसी विजयवाड़ा के लिए फ्रेट कॉरिडोर यानी मालगाड़ी के लिए स्पेशल कॉरिडोर की घोषणा हुई है। दोनों कॉरिडोर भाया नागपुर स्टेशन से गुजरेगी, इसलिए मालगाड़ी का आवागमन तेज होगी। इससे एक और रेलवे का राजस्व बढ़ेगी। वही मालगाड़ी को अलग कॉरिडोर मिलने से यात्री गाड़ियों की राह आसान हो जाएगी। पटना से वाराणसी और गुवाहाटी के लिए रेल यात्रियों को हाई स्पीड ट्रेन की सौगात मिली है। केंद्रीय बजट में इसके लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किया है। बजटीय प्रावधानों के अनुसार यूपी बिहार के इलाके बंगाल के रास्ते पूर्वोत्तर भारत से हाई स्पीड रूट से जुड़ जाएगा। वाराणसी से पटना होते हुए गुवाहाटी तक के लिए हाई स्पीड रूट से लोगों का समय बचेगा। माना जा रहा है कि पटना से गुवाहाटी के बीच की रफ्तार 5 से 6 घंटे में तय हो सकती है, जबकि पटना से वाराणसी के बीच मात्र 2 घंटे का सफर होगा। रेलवे ने गया से नई दिल्ली के बीच चलने वाली महावती एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया है। अभी कोहरे के वजह से यह ट्रेन पिछले कई दिनों से हफ्ते में 4 दिन चलाई जा रही थी। 1 फरवरी से गया नई दिल्ली महावती एक्सप्रेस का परिचालन प्रतिदिन किया जाएगा। अवध एक्सप्रेस से मुंबई की यात्रा करने वाली पूर्वांचल और बिहार के लोगों को लिए राहत भरी खबर है। अब लोग इस ट्रेन से गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनल 39 की जगह महज 34 घंटे में पूरा कर लेगी। रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने के साथ ही ठहराव भी कम कर दिया है। ये ट्रेन कानपुर से बांद्रा रेलमार्ग पर अधिकतम 100 की जगह 130 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। कोरोना मरीजों के भर्ती करने के लिए तैयार किए गए 72 कोच फिर से यात्री ट्रेन में दौड़ेगी। ये कोच भोपाल रेल डिवीजन ने तैयार किए थे। इसमें से 25 कोच दिल्ली में कोरोना पीड़ित के भर्ती करने के लिए काम आई थी। बाकी के कोच भोपाल के निशितपुरा यार्ड में खाली है। अब कोरोना संक्रमण का असर कम होते दिखाई जा रही है, साथ ही कोरोना से बचाव की वैक्सीन भी आ गई है, इसलिए इन कोचों की फिर से यात्री कोचों को हिसाब से तैयार किया जाएगा।
ये काम फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा। जिला मुख्यालय से लखनऊ और लखीमपुर तक रेल विद्युतीकरण का काम पूरा होने के बाद अब सीतापुर से भाया बालामऊ और उन्नाव तक करीब 170 किलोमीटर के लंबे ट्रैक पर जल्द ही इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ने की उम्मीद बढ़ गई है। इस रेल ट्रैक पर चल रही विद्युतीकरण का काम अंतिम चरण में है। फरवरी के पहले सप्ताह में इस ट्रैक पर सीआरएस होने की उम्मीद जताई जा रही है। सीआरएस मुकम्मल होने के बाद विद्युत रेल इंजन से ट्रेन परिचालन शुरू हो जाएगा। पीलीभीत से बिशलपुर होते हुए शाहजहांपुर तक ब्रॉडगेज कार्ड 2018 में प्रारंभ हुआ था। कार्ड कोरोना के कारण बीच में रुकने से लगभग 32 महीने में पूरा हो चुका है। ट्रैक पर ट्रेन दौड़ने का कोई निर्देश रेलवे विभाग के उच्च अधिकारी से प्राप्त नहीं हुआ है। बिशलपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म भी यात्रियों के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। रेलवे के उच्च अधिकारी को आरसे बड़ी लाइन के हरी झंडी दी चुकी है, फिर भी ट्रेन का संचालन नहीं किया जा रहा है। रेलवे कानपुर लखनऊ रेलमार्ग की अपनी संपत्ति को चिन्हित करने में लगा है। इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। एक कवायद इस रेलमार्ग को फोरलेन करने के लिए की जा रही है। रेलवे की सबसे ज़्यादा जमीन गंगा पुल किनारे स्टेशन के आसपास कब्जेदारों से घिरी मिली है। इसे मुक्त करने के लिए रेलवे जिला प्रशासन के साथ चिन्हित भूमि के पेमाइश कराएगी। इसके बाद कब्जेदारों को नोटिस जारी कर दिया जाएगा। दक्षिण हरियाणा को उत्तरी राजस्थान से रेलवे लाइन से जोड़ने वाली प्रस्तावित रेल लाइन की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए हरियाणा रेल कॉरपोरेशन को राजस्थान सरकार ने भी अपने सहमति प्रदान कर दी है। ये रेल लाइन बन जाने से झंझोर, कोसली, कोनिना, नारलोन, बारोड, खोरथल, अलवर को जोड़ेगी। नई दिल्ली से हबीबगंज स्टेशन के बीच संचालित होने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में ललितपुर स्टेशन से यात्री काफ़ी कम संख्या में मिल रही है। इसके कारण रेलवे बोर्ड ने ललितपुर से शताब्दी का ठहराव खत्म करने का विचार कर रहा है। दानापुर रेल डिवीजन के दिलदानगर ताड़ीघाट रेलखंड पर पहली बार विद्युत इंजन से ताड़ीघाट ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया। इस रेलमार्ग का विद्युतीकरण काज 14 अगस्त 2020 को रेल सुरक्षा आयुक्त ने निरीक्षण कर बिजली से इंजन ट्रेन चलाने का हरी झंडी दे दी गई थी। लगातार माल ढुलाई के लिए मालगाड़ी की संख्या बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए रेलवे ने वैकल्पिक मार्ग तैयार करने में जुट गई है। इसके तहत शाहजहांपुर सीतापुर रेलमार्ग को दोहरीकरण कर ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मार्च से ट्रेन चलने के लिए उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक 4 फरवरी को निरीक्षण करने के लिए आ सकती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कार्य पूरा हो जाने के बाद पूर्व मध्य रेलवे जोन के मुख्य ट्रैक से मालगाड़ी का परिचालन बहुत कम हो जाएगा। अगले साल से ही ग्रैंड कोर लाइन में और मेन लाइन से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या में 90% तक कमी हो सकती है। रेलवे की ओर से दोनों रेलखंड पर 40 से 50 नई ट्रेन की सौगात मिल सकती है। इसमें से पटना कोलकाता, टाटानगर, भुवनेश्वर, नई दिल्ली और लखनऊ तक वंदे भारत अथवा तेजस टाइप के ट्रेन का संचालन शुरू हो सकता है। तो आज का न्यूज़ कैसा लगा, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।